हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा रिव्यू, वेयर कंटेंट इज किंग। आज हम बात करने वाले हैं थिएटर्स में आई डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए और क्या ये आपके टाइम को डिजर्व करती है, चलिए इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका प्लॉट एक मल्टीवर्स के ऊपर डिपेंड है। और क्या ये मल्टीवर्स की जो पोर्टल खोला है डॉक्टर स्ट्रेंज ने, इससे क्या तकलीफें आएंगी और क्या क्या चीजें बदलेंगी, उसको देखने के लिए ये मूवी आपको देखनी पड़ेगी, जो कि थिएटर्स में आज लग चुकी है। तो अगर इसकी मैं पॉजिटिव्स की बात करूं, तो इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव तो आपको पता है बेनेडिक्ट की एक्टिंग, जो डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करते हैं, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है उन्होंने। और उन्होंने जो अलग अलग शेड्स अपनी एक्टिंग के दिखाए हैं, वो बहुत मजेदार लगे मुझे, क्योंकि उन्होंने काफी सारे वेरिएंट्स जो अलग अलग यूनिवर्सेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के थे, तो उन्होंने वो निभाया, तो वो बड़ा अच्छा लगा। और उनकी एक्टिंग भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक ही कैरेक्टर इतने सारे कैरेक्टर्स को निभा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और डायलॉग्स बहुत बढ़िया लगे उनके, और उनकी एक्टिंग और उनके एक्शन सीन्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की वैसे भी आपको VFX और CGI बहुत बढ़िया तरीके से की गई है, वो तो मार्वल की सबसे अच्छी बात है ही, क्योंकि उन्होंने जो इस फिल्म की हाइप बनाई उस पर जस्टिस किया, क्योंकि बहुत ही अच्छी CGI से उन्होंने एक्शन सीन्स को दिखाया गया। और स्टोरी बड़ी अच्छी लगी मुझे, वेल पेस्ड स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और डायरेक्शन की बात ना करूँ तो मैं वो जाप्ती होगी, क्योंकि सैम रेमी ने बहुत ही अच्छी डायरेक्शन की है, उन्होंने जो एंगल से शॉट किया, बड़ा मजा आता है उनकी डायरेक्शन की टेक्निक्स को देखकर, क्योंकि उन्होंने स्पाइडरमैन की भी 3 मूवीज में बड़े अच्छे शॉट्स लिए, तो वो एक्शन को बहुत मजेदार बना देते हैं जो वो शॉट्स लेते हैं, तो वो भी उनकी डायरेक्शन की भी बड़ी मेरे को लगता है कि बात करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी जो इस फिल्म की स्टार रही मेरे हिसाब से, तो एलिजाबेथ ओल्सन, और क्या वांडा विजन उन्होंने एक्टिंग की, और क्या ओवर पावर्ड दिखाया इस मूवी में, उनको बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड। और ये मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द फ्यूचर, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग थी और उन्होंने कैरी बड़ा अच्छा किया वो ओवर पावर्ड कैरेक्टर। और वांडा की जो पावर्स आपको ओवर पावर्ड वो दिखी, सॉर्सरर सुप्रीम वो दिखी, तो वो मजा आया देख के। और एक्शन सीन जो फर्स्ट हाफ में ही दिखा दिया वो बहुत ही तगड़ा, गूज बम्प मोमेंट्स। और इसमें आपको PG-13 कभी कभी लगता है कि पुश कर दिया लिमिट्स को इसने, बहुत ज़्यादा एक्शन, और बहुत ही अच्छा मुझे लगा, प्लेजेंट सरप्राइज मिला, और बहुत मज़ेदार इसके कैरेक्टर सब ने, सपोर्टिंग कास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत मज़ेदार ये कैरेक्टर्स थे, और सारे जो मतलब मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंसेस दी सब ने, तो मज़ा आया वो देखकर। और वो छोटी सी लड़की जो अमेरिकन बनी थी, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा, उनकी भी आगे जाके मार्वल में एंट्री हो गई है, तो वो भी आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है उनका, तो मज़ा आएगा उनको देखने में। पर इस मूवी में तो अगर बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की बात करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी एक्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ये मूवी रही है। और इसमें थोड़ी सी डिफरेंट मार्वल की मूवी, इसमें हॉरर भी था, इसमें एक्शन भी था, इसमें PG-13 वाली जो चीज़ें उन्होंने पुश करने की कोशिश की है वो भी थी, तो वो भी अच्छा लगा। और अगर मैं इसकी पेसिंग की बात करूं तो बहुत तगड़ी पेसिंग है, क्योंकि स्टोरी चलेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे आपको। और अगर आप कैमियोज के लिए जा रहे हैं तो मत जाइए, क्योंकि कैमियोज इसमें इतने ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि लीक्स आए थे कि ये भी आएगा और वो भी आएगा, किस किस का नाम लिख दिया था, मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, पर वो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर आप उस वजह से जा रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है तो उसी पे फोकस किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप भी देखिए कि अगर मार्वल सारे कैरेक्टर्स को एक मूवी में लाने लगे तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, तो वो चीज़ उन्होंने नहीं की है, उन्होंने रायता नहीं फैलाया, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा पेस पकड़ के चलती है। और अगर ये आपको लगेगा कि ये मास्टरपीस है, तो वो मैं कहूँगा ये मास्टरपीस तो नहीं है पर बहुत अच्छी मूवी है। क्योंकि अगर नेगेटिव्स की बात करूँ तो मुझे इसका थोड़ा क्लाइमैक्स जो है वो थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा, थोड़ा सा जो फर्स्ट हाफ में एक्शन सीन्स थे वो ज़्यादा अच्छे थे, सेकेंड हाफ थोड़ा सा स्लो हुआ, फिर उसके बाद उसने थोड़ा पेस पकड़ी, पर क्लाइमैक्स उतना अच्छा नहीं लगा, कि थोड़ा अंडरवेलमिंग, और कहीं कहीं पे ऐसा लगा कि जैसे थोड़ा सा रश किया गया, क्योंकि वो मूवी की जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी कर दी, क्योंकि मार्वल मूवी अगर आप देखें तो 2.5 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि इनको स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंटली कनेक्ट करने होते हैं डॉट्स, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर 10-15 मिनट जो थोड़े फालतू होते तो शायद बेहतर हो सकता था। पर उसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा फ्लॉ नहीं है, और ये भी बहुत माइनर सा फ्लॉ है, आप इसको इंजॉय तो पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे एक्शन सीन्स और बहुत ही बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है मार्वल की। तो मैं तो एक्साइटेड था इस मूवी को लेकर, और मेरे को डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है, क्योंकि अच्छी मूवी देखने को मिली है, और काफ़ी अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, उसको भी आप ज़रूर देखें, और आपको मैं तो ये कहूँगा रिकमेंडेड बाय मी। तो चलिए ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को करना होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हैव अ गुड डे।